तो भाई जो मेरी वीडियो पिछले कुछ दिनों से नहीं आ पा रही थी इस बीच, क्योंकि मैं कुछ काम में बिजी था, क्योंकि वीडियो एडिटिंग जो चल रहा था, क्योंकि अभी भी मेरा 11 प्रोजेक्ट जो है वो भी बाकी पड़ा हुआ है, फिर भी मैंने इतना टाइम निकाला कि मतलब एक वीडियो हमको अपलोड करना चाहिए। 2-3 दिन बाद ही वीडियो अपलोड करवा रहा हूँ, ऐसा बीच बीच में हो पा रहा है, क्योंकि जो हमें अभी टाइम भी नहीं मिल पा रहा है, इसी रीज़न से जो मेरा वीडियो में प्रॉपर तरीके से जो व्यूज नहीं मिल पा रहा है, तो यही सारा रीज़न होता है। अगर व्यूज नहीं मिल पा रहा है, आप या तो सही टाइम से वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहे हो या टाइम नहीं दे पा रहे हो, तो यही सारा, क्योंकि जैसे अभी मैं मेरे में हो रहा है, क्योंकि मेरे पास जो है टाइम कम मिल पा रहा है, मुझे वीडियो बनाने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए उसके बाद एडिटिंग भी तो करना चाहिए, तो टाइमिंग इतना मैनेज करना पड़ता, सारा कुछ होना चाहिए, तो यार यही सारा रीज़न होता है, जबकि मुझे टाइमिंग इस टाइम पर नहीं मिल पा रहा है। बट 10 तारीख के बाद, 10 बोल रहा हूँ, 10 तो निकल गया भाई, क्योंकि इधर नवरात्रि के बाद मैं खाली हो जाऊंगा, उसके बाद तो प्रॉपर तरीके से मतलब डेली वीडियो आती रहेगी हमारी। तो मेन कारण यही था जिसके रीजन से मेरा ये जो यूट्यूब पे व्यू है वो बहुत ही ज़्यादा कम आ रहा था, क्योंकि इससे ये होता कि ऑडियंस को लगता है ना कि अब ये इस पे वीडियो अपलोड ही नहीं करेंगे भाई, बिना मतलब की कर रहे हैं, इससे लगता कि बिना मर्जी की मतलब वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो यही सारा रीज़न था। अगर प्रॉपर तरीके से आप वीडियो अपलोड करोगे तो जब डेली जाएगा तो लोगों को लगेगा कि हाँ भाई इस पे एक्टिव रहते हैं ये, या फिर आप 2 दिन बाद, या फिर एक टाइमिंग देना पड़ेगा ना कि मतलब एक दिन बाद या फिर दूसरे दिन आप वीडियो अपलोड करोगे, तो मेरा ये भी नहीं मैनेज हो पा रहा, क्योंकि एक दिन आ रहा है तो दूसरे दिन भी गायब जा रहा है, तीसरा दिन कुछ पता नहीं चल पा रहा कि मतलब कब हमारी वीडियो आती रहती है कब जाती रहती है। हाँ एक टाइमिंग है कि मतलब सुबह 5 बजे डेली जो हमारी वीडियो वो अपलोड होती रहती है, सुबह की टाइमिंग डेली आप देखो सुबह के टाइम जो है 5 बजे आपको हमारी वीडियो देखने को मिल जाएगी, तो चाहे जब आप देखोगे तो जो है मेरी वीडियो सुबह 5 बजे ही आपके चैनल पे या फिर आपके फ़ोन पे डायरेक्ट होके मिल जाएगी, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर किसी भी तरीके की, तो आप हमें चैनल पे जा करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। देखो चैनल जब भी आप कोई भी वीडियो डालो तो सबसे पहले तो आप उसको चेक कर लिया करो कि कॉपीराइट है या फिर नहीं है, जिससे क्या होता है अगर आपका चैनल मोनेटाइज, अगर कॉपीराइट वीडियो डालोगे तो आपके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, कॉपीराइट तभी प्रॉब्लम होती है जब मोनेटाइज, और जब तक मोनेटाइज नहीं तब तक भाई कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी डाल दो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि अभी तक तो हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं है। इस पर क्या होता है जब मोनेटाइज रहता है, रिच कंटेंट दे देगा तो आपका चैनल जो है डिसेबल है, मोनेटाइज डिसेबल, यानी कि पेमेंट जो मिलने वाला रहेगा आप पैसा नहीं मिलेगा। ये कितने दिनों तक, अगर आपका लॉन्ग वीडियो का है तो भाई आप 6 महीने 1 साल तक वेट करोगे, 1 साल तक मोनेटाइज नहीं होगा 6 महीने तक, और शॉर्ट से अगर हुआ है तो 3 महीने तक, आपको 3 महीने तक आपको वेट करना पड़ेगा, उसके बाद आपका जो चैनल है मोनेटाइज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब ऑटोमेटिक क्या करना पड़ेगा कि मतलब हमारा चैनल जो है डिसेबल कर देगा, कि और ऐसा करना भी मत कि मतलब रिच कंटेंट मिल जाए, क्योंकि रिच कंटेंट मिलने के बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, आपके ग्राफ भी डाउन हो जाते हैं। तो भाई अभी मैं वीडियो को यहीं पेंट कर रहा हूँ, क्योंकि आज जो है सब लोग मूर्ति लेने के लिए जा रहे हैं, और यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा नॉइस भी आ रही है, क्योंकि डीजे वगैरह सब कुछ बज रहा है, शायद थोड़ा बहुत आप तक पहुँच भी रहा हो वॉइस, इससे क्या होगा कि हमारे चैनल पे जो कॉपीराइट क्लेम भी मिल सकता है, तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा ना ही हो, क्योंकि अगर कोई मेहनत से वीडियो बना रहा है और उस पर कॉपीराइट वगैरह आए तो ये भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि किसी का कॉपी करके तो अपलोड नहीं किया जा रहा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट, थैंक यू, धन्यवाद।